तक तुमने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। ये काम भी तुम खुद ही करके जाओ। मैं अपने अंदर इतना जर्फ नहीं पाता हूं कि उस लड़की को फेस कर सकूं। दानिश, 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 मेरी बात सुन लो। डॉक्टर, एक एक्सीडेंट का केस आया यहाँ पे। देखिए, यहाँ कोई एक्सीडेंट का केस आया है। पेशेंट का नाम दानिश। आप पेशेंट के कौन है? जी, मैं उनका भाई फारिस और ये उनके वालिद हैं। अच्छा, आप एक काम करें, मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं आप वो पूरी कर दें। पेशेंट की ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है तो फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा। बेटा, तुम जाओ भाई के पास, मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, बताइए क्या करना हुआ। हेलो डैड, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखें, आपके भाई को सेवल मल्टीपल इंजरीज हैं और ऑपरेशन के बाद भी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहता। बेहतर होगा कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको किसी किस्म के अंधेरे में ना रखूं। आप प्लीज़ जाके कंसेंट फॉर्म जमा करा दें। ये क्या कर रही हो तुम? अफाइक कहाँ है? टिकट करवाने गए। टिकट करवाने कहाँ जा रहा है वो? वापस कनाडा। कनाडा? मगर क्यों? और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ इरा। मुझसे क्या पूछ रही हैं? भाई से पूछें, वो जा रहे हैं घर छोड़ के, मैं नहीं। भाई घर छोड़ के जा रहे हैं तो और क्या करे वो? यहाँ बैठकर अपनी मंगनी टूटने का गम मनाए। बहुत गलत किया है भाई के साथ आपने मामा। भाई ने पहली बार अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, आपने ख्वाहिश पूरी भी की, फिर छीन ली। तो क्या करूं? अपनी नेकनामी पे धब्बा लगवा लूं? For God's sake मामा, छोड़ दे इन सब बातों को।
जानती है ना मैं ऐसी लड़की नहीं है। बहुत सीधी सादी और भोली लड़की है, फिर भी किसी बात का इशू बना लिया आपने, जिद बांध ली है। मामा, अगर माँ बाप जिद बांध लेना तो औलाद सिर्फ बर्बाद होती है। आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। आप बेटा अम्मी को बुला लें, हमें थोड़ा जल्दी जाना है। जी मामा, बस आ रही हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कुछ लेकर आओ मेहमानों के लिए। आप लोग यहाँ खैरियत? अब हम ये सामान देने के लिए आए थे, कि वो तोहफे हैं जो आप लोगों ने अनम को मंगनी पर दिए थे। भाई साहब ने एक चीज वापस दे दी है। आप फिर भी चेक कर लें, इसमें से कोई चीज रह तो नहीं गई है। ये वो अंगूठी है जो आप लोगों ने अनम को मंगनी पर पहनाई थी। चलें ज़ल्मा, चलना चाहिए। और रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तशरीफ रखें। आप लोग प्लीज ये सामान वापस ले जाइए। मैं ये रिश्ता बरकरार रखना चाहती हूँ। मुझसे दरअसल बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा मैं दुनिया के बारे में सोचने लगी थी। नहीं देखिए, इस बात की क्या गारंटी है कि कल आप किसी और के कहने में नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, मगर आपने इस रिश्ते को गुड्डी गुड़िया का खेल समझ लिया शायद। आज आपने रिश्ता जोड़ लिया, कल तोड़ दिया। रिश्ता जब जोड़ा जाता है तो निभाया भी जाता है। रीजन की बात का बुरा नहीं मानिएगा, अब ये फैसला हमारे अख्तियार में नहीं है। ये फैसला भाई साहब नहीं करना है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे, फिर जो उनका फैसला। हमें इजाजत दें, वापस।
तुमने मुझे रोका क्यों? मैं तो उसे और बातें सुनाने वाला था। पहले रिश्ता खत्म कर दिया और आप जोड़ना चाहती हैं। इस तरह थोड़ी होता है, वो जो कहेंगे हम करते रहेंगे। फारूक, ऐसा नहीं होता। हम लड़की वाले हैं और लड़की वालों का अपने रवैये में हमेशा लचक रखनी चाहिए। बेटियों की नसीब का कुछ नहीं पता चलता। हो सकता है अनम का जोड़ यही रखा हो। लेकिन लड़की वाले होने का मत। भाई साहब, हो सकता है सामान के लिए पूछ रहे हो। सलाम अलैकुम भाई साहब। क्या, कब? अच्छा, आप परेशान नहीं हो? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक 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 है, मैं आ रहा हूँ। सब खैर, कौन हॉस्पिटल में? दानिश का एक्सीडेंट हो गया। oh, no. सर चलो, हमें निकलना हॉस्पिटल के लिए। बैग मेरा कहाँ गया? बैग कहाँ है? दानिश कैसा है? वो ठीक तो है ना? मॉम प्लीज रिलैक्स, भाई का ऑपरेशन चल रहा है अभी। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ उसे? मॉम रिलैक्स, आप बैठे, इधर बैठे, मैं बताता हूँ। रिलैक्स, कैसी बातें कर रहे हो फारिस? मुझे बताओ कहाँ है दानिश? मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज। देखो, मुझसे कुछ छुपाना मत। जो भी बात है ना, मुझे सही सही बता दो। वो ठीक है ना? भाई की कंडीशन ठीक नहीं है मॉम। उनका ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन डॉक्टर ज्यादा होपफुल नहीं है। आप प्लीज रिलैक्स करें, आप बैठे, टेंशन ना लें। आप यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बैक, ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? कंडीशन? या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, या अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे दानिश को ठीक कर देना। परवरदिगार, तुम प्लीज लेटर है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। डैड, ये सब कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद नहीं पता था, तुम्हें क्या बताता। मैं तो बस यूं ही एक रूटीन चेकअप के लिए गया था अपने डॉक्टर के पास। उसको शक हुआ तो उसने मजीद टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट्स मैंने तुम्हें भेज दी थी। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है? इज इट क्यूरेबल? यस इट इज, इट इज। मेरी आधी बीमारी तो तुम्हें देखकर ठीक हो गई। डैड प्लीज, कैंसर एक मजाक नहीं है। You have to take care of yourself. इंसान अपना ख्याल खुद कैसे रख सकता है? ये काम तो उसकी फैमिली का है। और मेरी फैमिली में सिर्फ तुम हो साद। क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? देखो, मैं आज तक कभी
अकेलेपन से नहीं घबराया। जिंदगी में हर मुश्किलात मैंने तन्हा झेली है, लेकिन इस बीमारी ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। हिम्मत बिल्कुल खत्म हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले गुजारूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? अस्पताल है यहाँ के असूल है कुछ? वहां तुम्हारा बेटा मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला है, और बजाय इसके कि तुम उसके लिए दुआ करो, तुमने सारा तमाशा मचा रखा। अब अगर एक लफ्ज भी तुम्हारी जबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या हाल है बेटा दानिश? डॉक्टर्स कह रहे हैं क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते। आप लोग क्यों आए? आप लोग यहां किसने इत्तला दी है इन्हें? क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे बच्चे की जो हालत है ना, वो आप लोगों की वजह से। अब क्या उसकी जिंदगी छीनना चाहते हैं? बस कर दे मॉम, इस तरह की बातें ना करें। तुम चुप करो। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। और आप तो उसे घर आकर बातें सुनाकर गए थे ना, और आपकी बेटी वो तो खुला लेना चाहती थी उससे। फिर आप क्या करने आए? जिंदगी अजाब कर दी मेरे बच्चे की। पेशेंट यहां पर शोर नहीं करें। तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा घर नहीं है कि यहां हंगामा कर रही हो? ये अस्पताल है यहां के असूल है कुछ? वहां तुम्हारा बेटा मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला है, और बजाय इसके कि तुम उसके लिए दुआ करो, तुमने सारा तमाशा मचा रखा। अब अगर एक लफ्ज भी तुम्हारी जबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बैठो यहां। मॉम की तरफ से मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। उनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, वो दानिश को लेके बहुत अपसेट है। दानिश कहां है? मुझे मिलना है उनसे। इस वक्त हम नहीं मिल सकते, उनका ऑपरेशन चल रहा है। किस चीज का ऑपरेशन? स्पाइनल कॉर्ड का, क्रिटिकल सिचुएशन है। हौसला करो बेटा, हौसला करो। ये वक्त दुआ करने का है।
पता नहीं इस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए कि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उससे जो भी खता सतत हो गई और उसके लिए दुआ कीजिए, शायद आपकी दुआ से उसे सेहत मिल जाए। आज मैंने अपने बेटे को जिस हाल में देखा है, परवरदिगार कभी किसी बाप को ये दिन न दिखाए। हौसला रखें अकरम साहब, दानिश ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हौसला करें। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो है? देखिए हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, बस अब आप लोग दुआ कीजिए। आपसे एक बात करनी है। मैं कैसा लगता हूँ आपको? मेरा मतलब मुझे अच्छी लगती हैं आप, और मैं इस पसंदीदी को बाकायदा रिश्ते में बदलना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। साथ क्या बात है?
परेशान हो क्या? ऑफिस की कोई टेंशन है? मैं इतने दिनों से नोट कर रही हूं तुम घर भी बहुत लेट आते हो, क्या बात है? अच्छा फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। नहीं माँ, खाना खा चुका हूँ। खाना खा चुके हो? कहाँ? डैड के साथ, उनके घर पे। मैं तो बस यूं ही एक रूटीन चेकअप के लिए गया था अपने डॉक्टर के पास। उसे शक हुआ तो उसने मजीद टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट मैंने तुम्हें भेज दी। इंसान अपना ख्याल खुद कैसे रख सकता है? ये काम तो उसकी फैमिली का है। मेरी फैमिली में सिर्फ तुम हो साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं रहूं उनके साथ, नहीं रहूं? क्या करूं? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है मामा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बेटा होने के नाते मैं अपना फर्ज निभाऊं कि नहीं। क्या करूं मैं? आप मुझे बताएं। क्या करना चाहिए मुझे? तुम जो करना चाहते हो करो। तुम्हारे डैड से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मगर मैंने तुम्हें कभी उनसे मिलने से मना नहीं किया। वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी खिदमत करो। उनका हक है तुम पर। तुम उनके पास रहना चाहते हो? तो रह सकते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। थैंक्स मॉम। मेरे लिए फैसला लेना आसान कर दिया आपने। आयजा के बारे में तुमने क्या सोचा? वो अपनी मर्जी की मालिक है। मैं अपनी मर्जी उस पर फोर्स नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अगर वो आना चाहे तो वो आ सकती है, जरूर आ सकती है। पर अगर वो चाहे तो आपके साथ रह सकती है।
आयशा तुम्हारी बीवी है। तुम उसे प्यार मोहब्बत से समझाओ कि वो तुम्हारे साथ रहे। मियां बीवी एक साथ रहते हैं तो हमारे माशरे में इज्जत होती है। अलग अलग रहने में मियां बीवी की कोई इज्जत नहीं होती। बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं क्या करती आप ही? अबू ने सख्ती से मना किया था लेकिन अब इतनी रात हो गई है, अभी तक हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई। अबू का, मामू का, किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। शायद सिग्नल्स का कोई इशू होगा लेकिन आप ही, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस अल्लाह खैर करे। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। आप ही, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे घर जाना है। ऐसा मैं सब बहुत थका हूँ, सुबह में ले जाऊंगा तुम्हें। सुबह नहीं साद, मुझे अभी घर जाना है। देखो आयजा, मैं सब बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद बहस नहीं करनी किसी से किसी भी चीज के ऊपर। यू नो व्हाट, बहस मैं भी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती, मैं खुद ही चली जाती। एक कदम ही मत लेना तुम, समझी? टाइम देख रही हो तुम, सुबह तक क्यों नहीं इंतजार कर सकती? क्योंकि सुबह बहुत देर हो जाएगी, दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में। What? तो तुम ये बात शुरू में नहीं कह सकती थी? जरूरी क्या मसला क्रिएट करो, फट्टा करो, सीधा सीधा नहीं बोला जाता तुमसे। चलो तुमका भाई। मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान लोग नहीं सकते। इट्स ओके, होने से इंसान की मर्दानगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिल पर एक बोझ सा तारी हो जाता है। आपने जितना रोना है रो ले, नहीं रो ले, दिल हल्का हो जाएगा ताकि अंदर जाकर आप अपने पेरेंट्स को संभाल सकें, उन्हें हौसला दे सकें। यार कहाँ से हौसला दूँ उन्हें? क्या जाके उनको कहूँ कि डॉक्टर ने कह दिया कि किसी भी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए? ये जाके, अरे जब मुझ में हिम्मत नहीं है सुनने की तो उन बेचारों को मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता। पता है कौन रखता था? दानिश। ये सारी सिचुएशंस दानिश संभालता रहा बचपन से। हानिया मैं दानिश नहीं हूँ यार,
और मुझसे नहीं देखी जा रही उसकी ये हालत, में क्या करूं? सिफारिश है आपको भी स्ट्रॉन्ग, आपके पास सबके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को कौन संभालेगा, उन्हें कौन हौसला देगा, बताएं मुझे। जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद के लिए सारी मुश्किलात उठाते हैं, उनसे उनके सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी परेशानियाँ उनसे छुपाते हैं ताकि उनकी औलाद उनसे कभी अपसेट ना हो, बिल्कुल इसी तरह बुढ़ापे में उनकी औलाद को उतना ही मजबूत बनना पड़ता है ताकि उनके माँ बाप उन्हें कहीं देख कर कमज़ोर ना पड़ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए ये पानी पिए, एंड अगेन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अभी हम अंदर जाएंगे और आप आंटी को संभाल, ठीक है? गुड। दवाइयाँ कहाँ हैं? आ वो रखिए। इतना बुरा मुंह बना के क्यों बैठी हो, जैसे खुदा ना खासा किसी की फौतगी हो गई हो। हुक्म दानिश भाई हॉस्पिटल में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किस तरह मुतमईन होके बैठ सकती हैं? तो भाई मेरे परेशान होने से कौन सा वो ठीक हो जाएगा? और वैसे भी उनसे तो हम रिश्ता खत्म ही कर रहे हैं, तुम्हारी बहन ने भी फैसला कर लिया है कि वो उससे अलग हो जाएगी, तो फिर आज उसके एक्सीडेंट की खबर सुनके दौड़ी दौड़ी क्यों चली गई है? उसूलन तो उसे जाना नहीं चाहिए था। पप्पा बहुत देर हो गई, आप अब उनको कॉल करें और उनसे पूछ सकती हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा। लो मेरा ख्याल है भाई साहब आ गए, ठहरो मैं देखती हूँ। अरे तुम इस वक्त कहीं साध ने तुम्हें लड़ झगड़ के घर से तो नहीं निकाल दिया? वैसे जिस बाप का वो बेटा है ना, उससे कोई बईद नहीं है, कोई भी हरकत कर सकता है, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे साध तुम भी आए हो, आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ आओ। नहीं मैं चलता हूँ। तुम्हें जब वापस आना होगा तो मुझे बता देना, पिक कर लूंगा। दो नैनों में तारे